नमस्कार एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर्स कलेक्टर्स से नमामि देवी नर्मदे यात्रा, नगर उदय अभियान और आनंद उत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में की चर्चा। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर परियोजना के पूलिंग विद्युत सब स्टेशन का किया शिलान्यास। और सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग से इफको के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने की भेंट। और अब खबरें विस्तार से। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि किसी भी कार्य को नियत समय पर पूर्ण करना राष्ट्रहित का कार्य है, इससे विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी उद्देश्य से मेगा सोलर पावर परियोजना के शिलान्यास से पहले विद्युत सब स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली परिवर्तित कर पावर ग्रिड के माध्यम से जरूरी स्थान तक पहुंचाई जा सके। मध्य प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में इफको सहयोग करेगा। इस संबंध में आज सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग से इफको के प्रबंध संचालक डॉक्टर यूएस अवस्थी ने भेंट की। राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में काम करने की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश की महत्वाकांक्षी 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की बिडिंग प्रक्रिया के लिए आईएफसी मुख्यालय नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण किया गया। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि परियोजना की बिडिंग प्रक्रिया भारत सरकार के ई टेंडरिंग पोर्टल द्वारा ऑनलाइन की जा रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2016 निर्धारित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुसुम महदेले ने दतिया प्रवास के दौरान स्थानीय सर्किट हाउस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बंद नल जल योजनाओं को शीघ्र चालू कराएं। उन्होंने कहा कि जनता को पानी मिले यह हमारी पहली प्राथमिकता में है। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्य में सुधार लाने की नसीहत दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए। नमस्कार।